नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। आपके साथ एक वादा किया था कि आपको रियल स्टेट में होने वाले फ्रॉड्स के बारे में बताएंगे, और एक सीरीज शुरू करी थी रियल स्टेट फ्रॉड्स। उसके अंदर हमने एक सीरीज शुरू करी है, एक था GBP, जिसका फर्स्ट एपिसोड आप देख चुके हैं। और उसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि चंडीगढ़ टू कुराली हाईवे पे एक प्रोजेक्ट था GBP का, जो बंद पड़ा हुआ है। अब हम खड़े हैं खरड़ टू बनूड़ रोड पे। यहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर पे बनूड़ आ जाएगा, और जो पीछे रोड जा रही है ये खरड़ को जा रही है, और यहीं से एंट्री है। सामने एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, पहले ये GBP स्मार्ट सिटी हुआ करता था। तो जब GBP का ये प्रोजेक्ट था, तब यहाँ पे GBP की सेल्स टीम बैठती थी, और जो प्रोजेक्ट पे अब टीम बैठी है ये लैंड ओनर हैं। तो लैंड ओनर ने GBP को हायर किया हुआ था, दोनों का एक एस्क्रो अकाउंट था। जब उसमें पैसे आते थे, GBP का हिस्सा GBP को जाता था और बिल्डर का हिस्सा बिल्डर को चला जाता था। सब कुछ बढ़िया हो रहा था, और अब GBP मार्केट में नहीं है, भाग चुका है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब GBP की टीम की जगह पे बिल्डर की खुद की टीम है। अब ये प्रोजेक्ट ये खुद बेच रहे हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ बैठकर GBP के बंदों को पैसा दिया था, अगर वो उस अकाउंट में आया था जो बिल्डर के साथ सांझा अकाउंट था, यानी कि एस्क्रो अकाउंट था, अगर उस अकाउंट में आया था और वो पैसा इनको भी मिला था जो अभी बिल्डर यहाँ पे बैठे हैं, तो उसके बदले में आप इनसे प्लॉट ले सकते हैं। अभी हम बिल्डर से भी बात करी कि आपका क्या कहना है, तो पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे। तो मेरे को बात याद आ रही है, जो कहावत है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जब अच्छे दिन थे तो ये भी GBP के साथ बैठते थे, भाइयों जैसा प्यार था। आज बुरे दिन हैं तो आज मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये दुनिया है, ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपनी जगह सही हैं। लेकिन अगर आप भी कभी यहाँ आए थे जब GBP यहाँ बैठता था, और आपने यहाँ कोई पेमेंट करी थी, और पेमेंट इस कॉलोनी के प्लॉट के लिए करी थी, और अभी जो बिल्डर बैठे हैं उनका कहना है कि अगर आपने GBP प्रमोटर एंड डेवलपर को पेमेंट करी थी तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, अगर वो वाले अकाउंट में करी थी जो हमारे साथ ज्वाइंट था, उसमें करी थी और उसमें से हमें पैसा आया था, तो हम आपको देंगे। यानी कि कुल मिला के अगर आपने यहाँ बैठ के GBP को पैसे दिए थे, अगर तो वो उस अकाउंट में किस्मत आपकी अच्छी है थी, उस अकाउंट में दिए थे, तो आपको यहाँ से कुछ मिल सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ रेरा जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। अभी रेरा ने कहा है कि हम GBP के सारे प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर रहे हैं, उनको बेचेंगे, उसके बाद लोगों के पैसे देंगे। तो अब रेरा अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, सांप तो निकल चुका है, अब उसकी लकीर को लाठियां मार रहे हैं। रेरा का अब का जो बयान है उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला लग नहीं रहा है। फिर भी जो हमारी सीरीज़ है, एक था GBP, उसका एपिसोड 2, आज हम दिखा रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी GBP की हुआ करती थी, जिस पे बोर्ड लगा करता था, जो एक्चुअल में उसकी ज़मीन नहीं थी, एक्चुअल में ज़मीन जिनकी थी वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब वो बेच रहे हैं। तो अगर आपका इनके साथ कोई लेन देन बकाया हो तो आप यहाँ आएँ, ये आपको यहाँ मिलेंगे, और आपको आपकी पेमेंट के बदले में, अगर आपने उस अकाउंट में की है, फिर मैं बताऊँ, जो इनके साथ सांझा था। ये टेक्निकल पेच है, जो जब हम जाते हैं बिल्डर के पास, जब ये यहाँ दोनों मिलके बैठा करते थे, ये वाले बिल्डर और गुप्ता जी की टीम, तब जो कस्टमर आता था, तब इन्होंने कस्टमर को ये नहीं कहा था कि भाई साहब आप पैसे जो दे रहे हैं, अगर आपने गुप्ता जी को दे दिए तो मैं वाली वार्स नहीं उसका, मैं तो इस अकाउंट में था। जब बंदे को तब पता ही नहीं था कि किस अकाउंट में पैसे देने हैं, वो तो बेचारा आया, उसने साइड देखी, उसने चेक काट के दे दिया, अब जो भी सेल वाले ने बोला उस अकाउंट में दे दिया। तो उसमें कस्टमर को या तो उन्होंने बताया होता पहले कि भाई साहब ये हमारा वो अकाउंट है, ये हमारा वो अकाउंट है। अब जो है, अब बातें और हैं, ठीक है, कानूनी तौर पे ये अपना बचाव करने के लिए हर बंदे को हक है, वो कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन लोगों का क्या, चलो कोई बात नहीं।
जो हो गया सो हो गया, अब आगे से ध्यान रखें। आगे से अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी में पैसा देना है तो बिल्डर से ये भी पूछें कि भाई साहब आप जो बैठे हैं यहाँ पे, आप सेल राइट वाले हैं क्या, मालिक हैं, और पैसा मैंने किसको देना है, कौन सी कंपनी में देना है, कोई एस्को अकाउंट है तो वो भी बता दीजिए। कल को बाद में ये ना कहें जी वो तो और कंपनी थी, ये और कंपनी है, ऐसे है वैसे है, ये फ्रॉड होने के बाद अक्सर बातें होती हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको आज भी किसी ज़रूरत की कोई ज़रूरत पड़े इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपको अगर आपने पैसा दिया था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हम हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर हम कोई कंप्लेंट होती है तो डाल देते हैं और गवर्नमेंट उसकी एक्शन लेती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपके काम की होगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव किसी के ब्रांड को डीफेम करना नहीं है, मैं ये भी बता दूँ। जो यहाँ भाई साहब बैठे हैं, मैंने उनसे उनका वर्जन पूछा तो वो थोड़े नाराज़ हो गए, तो वो उनकी नाराज़गी उनकी जगह है। मेरा काम सिर्फ ये है कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, उनका कोई समाधान निकालें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।